ये एक भावनात्मक, तो आप कह रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं लोग। बिल्कुल दुरुस्त। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर, जो कि राजनीतिक रणनीतिकार हैं, ये कहा जाए कि उनको हायर किया गया, उनको लिया गया है, आपको लगता है कि उसका फायदा होगा कांग्रेस को? डेफिनेटली होगा। उसका कारण ये है, मैं तो बिहार की धरती का वैसे ही इसलिए नहीं, मैं उस मिट्टी को मैं नमस्तक करता हूँ, अपना आप दीपो भाव, महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा अपना दिया खुद जलाओ। जो दिया देश की राजनीति में वहाँ जगह है जी। और नीतीश कुमार जी 15 साल मेरे साथ लोकसभा में रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो एक बहुत अच्छे नेता हैं देश के जी। इसलिए पंजाब में अब जो लोग दिया जलाना चाहते हैं, एक नया दिया जलाना चाहते हैं और उसको परख करना चाहते हैं, अब उस दिए में कहीं ना कहीं इन दोनों बड़ी पार्टियों के साथ जो है नेचुरली एक पहला उनका तजर्बा होगा। हालांकि 4 आदमी उनके जीत चुके हैं। तो जो आपने प्रशांत जी की बात करी, देखिए वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने अमेरिका काम किया, वो आदमी अपने सब्जेक्ट में माहिर है, वो पंजाब की राजनीति में तब्दीली नहीं ले आ सकते मुद्दों के ऊपर, वो एक प्रिसेप्शन बता सकते। जैसे उन्होंने कहा पंद्रह रकाबगंज की मीटिंग में, पहले आप इकट्ठे तो हो सारे, जगमीत सिंह बरार कहाँ हैं, रजिंदर कौर भट्टल कहाँ हैं, दूल्लो कहाँ हैं, दलित लीडरशिप कहाँ है, आप कहाँ हैं, आप अकेले तलवार लेके पंजाब में अमरिंदर सिंह जी कामयाब नहीं होंगे। मेरा ख्याल तो प्रशांत जी का सबसे बड़ा मैसेज उस मीटिंग में ये था जी। तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि पार्टी वहाँ पर बिखरी हुई है, एक साथ होना चाहिए। नेचुरली अगर एनालिसिस करें, वो पार्टी को जिताना चाहते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी वो ले रहे हैं कि उनको AICC मान योग राहुल गांधी जी ने हायर करके या उनको जो भी इंतजाम किया गया है, तो आदमी रिजल्ट देना चाहता है जी। उनका तो बुरा हाल हो जाएगा, बेचारे प्रशांत जी का तो स्कोर बिल्कुल नीचे डिप डाउन कर जाएगा अगर हम तीसरे नंबर पे आए तो जी। आपको क्या लगता है जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें मुकाबला त्रिकोणीय होगा या चौतरफा? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी फोर कॉर्नर्ड, बिकॉज बहुजन समाज पार्टी दोआबा में अपनी एक थोड़ी खोंद रखती है, तो जहां वो कांग्रेस की वोट खराब करेंगे 40-50-100 सीटों पे, तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा जी। तो इसलिए 4 कोना मुकाबला, 3 कोना बड़ा मुकाबला बिटवीन अकाली दल, कांग्रेस एंड आप और बहुजन समाज पार्टी एंड लेफ्ट पार्टीज का अभी तक मुझे मालूम नहीं कि उनका क्या सोच है। इट्स गोइंग टू बी अ 5 कॉर्नर देयर। कांग्रेस के ही नहीं बल्कि ये कहा जाए कि पंजाब की सियासत में बड़ा एक्सपीरियंस है आपको, वरिष्ठ नेता रहे हैं, लीडर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि व्हाट डू यू थिंक हु इज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर फॉर द अपकमिंग इलेक्शन इन पंजाब अक्रॉस पार्टी, आई एम आस्किंग? ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये तो फैसला आवाम ने करना है दिनेश जी। आवाम के सामने जो नाम हैं, एक अकाली दल की तरफ से नाम है और एक कांग्रेस की तरफ से नाम है। डू यू थिंक कैप्टन अमरिंदर सिंह इज द बेस्ट बेस्ट कैंडिडेट? आई थिंक ही हैज बीन ट्राइड ट्वाइस, नो नो आई डोंट रेट हिम एज द। आपको नहीं लगता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बेहतर उम्मीदवार होंगे आगामी विधानसभा मुख्यमंत्री के लिए? कीपिंग इन व्यू हिज परफॉर्मेंस एज अ चीफ मिनिस्टर, आई वुड रेट हिम अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर देन प्रकाश सिंह बादल, बट आई डोंट रेट हिम एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सरदार प्रताप सिंह कैरोल्स कैलिबर, और आई डोंट रेट हिम अग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटर लाइक साहब बेंत सिंह जी। यस ही हैज बीन टू टाइम्स, ही हैज बीन ट्राइड, मीन्स व्हेन यू हैव बीन ट्राइड टू टाइम्स, आई थिंक इट्स हाई टाइम टू हैंग योर बैट एंड गिव एन अपॉर्चुनिटी। आपको लगता है कि कांग्रेस हाई कमांड को इस पर फैसला लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार हो वो आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं बल्कि कोई और हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो ना, वो तो उन्होंने फैसला करना, अगर उनको बनाना चाहते हैं बनाएं, मुझे इतना। आपने एक प्रश्न किया जी, जो आपका आपके चैनल जो सारी दुनिया में देखा जाता है, ये प्रश्न बहुत लोडेड और बड़ा पर्सनल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उसका मैंने जवाब दिया है जी, बट हाउ आई रेट हिम, बट आई एम नोबडी टू टेल द पार्टी हाई कमांड टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर पर्सन, बट एज अ वर्किंग कमेटी, यस एज अ वर्किंग कमेटी मेंबर आई एम 100% श्योर दैट नो चीफ मिनिस्टर इन एनी स्टेट इज अनाउंस्ड इन एडवांस। आई थिंक कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड सीनियर मेंबर्स ऑफ द वर्किंग कमेटी वर ऑफ द ओपिनियन कि हमें ये मुद्दा MLO के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हाँ, लीडर होना जरूरी है, ये मेरा मानना, हमने लीडर माना हुआ है अमरिंदर सिंह जी को, PCC प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन मुख्यमंत्री कब बनाना है, कब घोषित करना है या नहीं करना, या वो कर आए हैं
इसके बारे में आई थिंक आई डोंट होल्ड द ब्रीफ टू सॉरा बरार साहब, एक चर्चा है कि विधानसभा चुनाव जो है वो समय से पहले हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? मेरे अंदाजे के मुताबिक सा प्रकाश सिंह बादल को जितना मैं जानता हूँ, मेरा ख्याल उनको 364 उनके पास अस्त्र हैं, बाकी पंजाब के राजनीतिक नेता जो उनके विरोधी समझते हैं अपने आप को, शायद वो 300-350 समझते हों, लेकिन मैं काफ़ी उनकी 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 पर्सनल ज़िंदगी को नज़दीक होते हुए, मेरे फादर के दोस्त रहे, मैं उनके साथ चुनाव लड़ा, मैं विधानसभा भी लड़ा, लोकसभा भी लड़ा, मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल चुनाव पहले नहीं करवाएंगे, बिल्कुल टाइम पर चुनाव करवाएंगे, समय से होंगे, लेकिन उन्होंने एक फैसला कर लिया है, मैं उनको जो शख्सियत को समझता हूँ कि मेरे दिन मेरा समय, मैंने पंजाब की जो सेवा की है उसको अब चार चांद लगाने का समय आ गया है। ही वॉन्ट्स टू एड अनदर फेदर इन हिज कैप बाय लीविंग एवरीथिंग ऑन दिस इशू। जी, पंजाब के अवाम की कचहरी में वो मुक्ति से जो उनके ऊपर इतने इल्ज़ाम 9 बरस लगे हैं वो उनको धोना चाहते हैं, और उसके लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। अगर उनको अपना पद भी छोड़ना पड़ा वो छोड़ देंगे, जो मैं उनको जानता हूँ, जो मैं उनको जानता हूँ। बरा साहब, आखिरी सवाल आपसे मेरा। जी बरा साहब, इतना आपका लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है, एक ऐसा कोई अधूरा सपना जो आपके मन में हो जिसको आप पूरा करना चाहते हो? यही है कि आई थिंक इफ ऑन वाटर इशू व्हाट अमरिंदर सिंह जी डिड इन 2004 एंड बादल साहब डिड इन 2016, आई एज अ 30 इयर्स ओल्ड यंग एमपी डिड इन 1994, आई थिंक इफ आई वुड हैव बीन देयर इन देयर प्लेस आई वुड हैव टेकन दिस डिसीजन 15 इयर्स बैक what they have taken now. So I have my dream to be the next chief minister of Punjab. Ji, abhi tak mukhyamantri na ban pana, ye malal hai aapko iska? Nahi, meri 58 baras umar hai. Meri umar se zyada umar mein Amrinder Singh bane, meri umar se zyada umar mein Badal sahab hain. Ha, Badal sahab 44 years old. Lekin aap keh rahe hain ki aapka naam announce hote reh gaya, to iska malal hai aapko? Nahi, malal nahi hai, wo to muqaddar hai. Wo main samajhta hu meri apne Destiny was like that. मुझे ये बात का कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात बहुत प्रबल होती जा रही है कि तुम्हारा ये समय है कि यू मस्ट थ्रो योर हैट। जी, तो आप कह रहे हैं कि अभी मौका है आपके पास और अभी वो मौका आने वाला है? यही मैं कह रहा हूँ, और मेरा ख्याल है मेरी पार्टी की तरफ से भी मुझे कोई ये इंक्वायरी नहीं नज़र आती है कि वो मुझे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पुट अप नहीं कर सकते हैं। Barar sahab, wish you all the best. Thanks a lot. Thank you so much, Dinesh. And wish you all the best. Thank you. Thank you. ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगमीत बरार। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESH पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।